बच जाता हूँ तो ठीक है, नहीं बचूंगा तो फिर अपने बच्चों को लेकर संतोष करना, यही सब उल्टा सीधा कहने लगे। इसके बाद ज्यादा वो करने से कोई फायदा नहीं है, बाहर बाहर निकलो साला, उड़ा उड़ा करके जहाज से बम फेंक रहे हैं, क्या मतलब है। तो जो है जहाँ हम है सब लगभग अभी ठीक है, कोई उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, एक भूखा मर रहे हैं। अफ्रीकी देश सूडान में गृह युद्ध चल रहा है जिसमें जौनपुर के निवासी राजेश सिंह भी फंसे हैं। हम मौजूद हैं दरियाओगंज गांव में, सामने राजेश सिंह का परिवार है जो बेहद चिंतित है। चिंता उन्हें सता रही है क्योंकि वहां पर बमबारी हो रही है लगातार, जो है वहां पर स्थिति जो है वो ख़राब होती जा रही है। तो परिवार के मन में एक संकट उत्पन्न हो गया है और परिवार में रोना और पीटना मच गया है। माता जी के आँखों में जो आंसू हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही है क्योंकि उनका बेटा विदेश में फंसा हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी से भी वह गुहार लगा रही हैं कि बेटे को सुरक्षित जो है वह घर लाएं। हमारे साथ मौजूद हैं उनके परिवार के सदस्य। कब राजेश जी गए थे विदेश? 8 मार्च को गए थे, 9 मार्च को उनकी फ्लाइट थी लखनऊ से, यहाँ से गए हुए थे 9 मार्च को। आखिरी बार क्या बातें हुई, उन्होंने क्या कहा? बात हुई थी जब यहाँ से गए थे तो कोई दंगा फसाद था नहीं। इसके बाद 15 तारीख को वहाँ से वहाँ खबर आया, कह रहे हैं यहाँ तो देखो दंगा फसाद चल दिया है और हालत ख़राब है, बच जाता हूँ तो ठीक है, नहीं बचूंगा तो फिर अपने बच्चों को लेकर संतोष करना, यही सब उल्टा सीधा कहने लगे। इसके बाद फ़ोन करने, फिर कल आज फ़ोन आया, 3 दिन के बाद फ़ोन नहीं आया था, आज फ़ोन आया है, बोले ठीक है नेटवर्क की प्रॉब्लम है इसलिए मैं नहीं फ़ोन कर सका। क्या स्थिति अब बताएं, अब वो ठीक हैं, सुरक्षित स्थान पे हैं? सुरक्षित स्थान पे तो हैं लेकिन अभी भी तो डर तो बना हुआ है कि हाँ क्या हो गया क्या नहीं होगा अब उनके साथ, अब भगवान ही जाने। सुरक्षित बस हम यही अपने सरकार से विनती करेंगे, निवेदन करेंगे कि हमारे पति को हमारे बच्चों के बीच ला दिया जाए, बस यही मोदी जी से हमारी उम्मीद है। निश्चित एक उम्मीद है प्रधानमंत्री मोदी से जिससे कि इनके जो पति हैं उसे मिलवाया जाए। और माता जी हैं, माता जी क्या मोदी जी से कहेंगी? मोदी जी से ही कहेंगे बेटा कि हमारे बच्चे हमारे हाथ में आ जाए, हाँ हमारे बच्चे हमारे हाथ में आ जाए, हाँ हमको पैसा ऐसा नहीं चाहिए। डर भी लग रहा होगा माता जी, बेटा दूर है इतना और वहाँ पे स्थिति ऐसी है। हाँ भैया, हाँ बहुत डर लगा था, हाँ बहुत डर है बेटा कि हमारे बेटा के क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा। मोदी जी हमारे अथवा में नक्षत्र में आ जाए तो बच्चों के हमारे दे दे, पहुँचा दे। निश्चित माँ के आँखों में जो आंसू हैं वो रुक नहीं रहे हैं क्योंकि चिंता बेटे की सता रही है, बेटा किस हाल में होगा, बेटे की स्थिति क्या है। जो एक बेटे को लेकर बेहद चिंतित माँ है और पूरा परिवार जो है डरा सहमा है। आप क्या लगते हैं राजेश जी के? बड़े बेटे हैं। अच्छा, कब आखिरी बार क्या बातें हुई थी? अभी अभी बात हुई है लेकिन बोल रहे हैं, मैसेज किए हैं। क्या किए? सुनाइएगा। मतलब मैं ठीक हूँ लेकिन हाँ इतना है कि वहाँ सब टावर वावर उड़ा दे रहे हैं, एयरपोर्ट फूंक दे रहे हैं, बहुत बहुत सिस्टम बता रहे हैं वो, उसी के लिए सुनाइएगा। नेटवर्क यहाँ बंद, खाना ठीक ठाक बंद है रात से ही, नेटवर्क यहाँ बंद है रात से ही, परेशान मत होना, कोई किसी का फोन चल रहा है यार, पूरा नेट बंद कर दिया है, अगर ये मैसेज पहुंच जाता है तो परेशान मत कर रहा। और हम लोग अब ठीक ठाक है, मिल रहा है रूम में से निकलना नहीं है। हालात ये है कि 42 डिग्री टेम्परेचर में रूम के अंदर रहना है। अब ये जान लग चड्डी पहन रहा तो कहूँ तो गमछा ऐसे ऐसे करत रहा और अगर गर्मी ना आएगा तो माछी उड़ा हुआ, ये चलत हुआ जो है। अब बाहर बम चल रहा है, अंदर जो है तापमान 42 डिग्री हो गया है, पूरे परिवार की चिंता सता रही है राजेश सिंह को लेकर। आप बताइए
आखिरी बार क्या बातें हुई थी, कितनी चिंता में आप लोगों को, कितनी चिंता हो रही है पिताजी को जिस तरीके से बातें हो रही हैं, उन्होंने बता रहे हैं कि लगातार जो है आसपास भी बमबारी हो रहा है। सर चिंता बहुत हो रही है क्योंकि वो बता रहे जिससे सर वो बता रहे हैं कि आसपास बम बारूद गिर रहा है, उस हिसाब से घर वाले बहुत हॉपलेस हो गए हैं और खाना पीना भूख और प्यास मिट गई है सब कुछ। तो सर रिकॉर्डिंग आपको सुनाई दिया है हम लोगों ने। सर अब मोदी से और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से हमारा यही निवेदन है कि प्लीज़ हमारे पापा को हमारे विदेश पे सही सलामत पहुंचाया जाए और वहाँ पे हजारों भारत के निवासी हैं उनको भी सही सलामत पहुंचाया जाए, क्योंकि जैसे भी हमारे पिताजी हैं वैसे भी वो भी किसी के पिताजी और कुछ होंगे, तो सबको प्लीज़ सर बहुत प्राउड फील है हमको मोदी जी के ऊपर। परिवार बेहद चिंतित है, सरकार भी जो है वह सूडान से लाने के लिए भारतीयों को वो भी जो है अलर्ट मोड पर है। हम भी आपसे निवेदन करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि जो सूडान में फंसे हुए राजेश सिंह हैं वह अपने परिवार में साफ कुशल आ सकें।